खबर महोबा मुख्यालय में भारतीय वैश्य एकता परिषद के तत्वाधान में राजनीतिक अधिकार यात्रा रैली निकाली गई। जिले के वरिष्ठ समाज सेवी विनोद पुरवार के द्वारा टिकट दिलाए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में एक रैली का आगाज किया गया। मुख्यालय के बाईपास स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से पूरे नगर में हजारों की संख्या में शामिल लोग समाज सेवी विनोद पुरवार का इकबाल बुलंद बताते हुए नजर आए। इस दौरान वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन गुप्ता, विशिष्ट अतिथि के रूप में गया प्रसाद तिवारी, संजय गुप्ता, राम हृदय राम, गुलाबी गैंग के महिला कमांडर सुमन सिंह चौहान, अजय साहू, एस के अग्रवाल, शशांक गुप्ता, विभा पुरवार, वंदना पुरवार आदि मौजूद रहे। वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन गुप्ता ने कहा कि राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 का है। 5 दिसंबर से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगर और नगरों से होती हुई आज वीरों की भूमि महोबा पहुंची है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य वैश्य समाज में राजनीतिक चेतना का स्मरण करवाना और राजनीतिक दलों पर दबदबा बनाना है, ताकि जो वैश्य बहुमूल्य क्षेत्र है उनमें आबादी के आधार पर टिकट मिलने चाहिए। वैश्य मतदाताओं के प्रभावी संख्या में होने के बावजूद राजनीतिक दल अपनी ही मूल मंत्र है, जिसकी जितनी आबादी उतना सत्ता में उसकी भागीदारी, किस दान से पीछे हटती नजर आ रही है। सभी समाजों पर राजनीतिक टिकट के वितरण को लेकर केवल और केवल वैश्य समाज को हाशिए पर छोड़ दिया गया। वैश्य समाज की आगामी विधानसभा चुनाव में दावेदारी की मांग इस अधिकार यात्रा के जरिए की जा रही है। बुंदेलखंड की धरती पर 19 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी भी विधानसभा में वैश्य समाज का एक भी विधायक या सांसद नहीं है। इसी के चलते महोबा की वीरभूमि से समाज सेवी विनोद पुरवार के टिकट की भी मांग उन्होंने ही की थी। वहीं नर सेवक के ही को ही नारायण सेवा मानने वाले समाज सेवी विनोद पुरवार ने मीडिया से मुखताबिक होकर बताया कि उन्होंने अपने 10 साल की समाज सेवा कार्यकाल में ही हर गरीब, वंचित और शोषित को बराबरी पर लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि नेता पेट से पैदा नहीं होते, उन्हें जनता बनाती है। फिलहाल राजनीतिक चेतना और अधिकार रैली सभी दलों के लिए चिंता का सबब बनता दिखाई पड़ रहा है। भारत में राज्य किया था, आज व्यापारी वर्ग की उतनी पूछ नहीं हो रही है, जबकि आज सरकार 1 या 2% को सर्विस देती है। व्यापारी वर्ग कम से कम 5 से 7% लोगों को व्यापार और रोजगार देती है। नरी नारायण को मैंने पूजा है, हमेशा मैंने माना है कि गरीब जनता ही हमको बना के देती है। लोग कहते हैं कि हम लोग उनको रोजगार देते हैं, लेकिन आगे भारत में कितनी गरीब जनता है, ये लोग हम लोग कितना मजबूत कर रहे हैं, ये लोग नींव के पत्थर हैं। और आज मैं क्या अपने द्वारा चाहता हूँ कि मैं विधायक बन के मैंने जितना अभी तक कर सका किया है, लेकिन अब विधायक बन के मैं चाहता हूँ जनता को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जनता ही का वोट ही भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 5 दिसंबर से प्रारंभ हुई, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगर, महानगर, कस्बों से होती हुई आज महोबा की क्रांतिकारी वीर भूमि पर पहुंची है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य वह समाज में राजनीतिक चेतना